हेलो दोस्तों दोस्तों नोकिया ने अपना नया स्मार्टफोन नोकिया 2.1 इंडियन मार्केट में लॉन्च किया। बोले तो ये सक्सेसर है नोकिया 2 का जो पिछले साल लॉन्च किया गया था इंडियन मार्केट में। और ये दूसरा स्मार्टफोन है नोकिया की तरफ से जहाँ पे आपको एंड्रॉयड गो आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए मिलता है। इसके पहले आपको नोकिया 1 में देखने के लिए मिला था। तो इस वीडियो में हम नोकिया 2.1 जिसे नोकिया 2 2018 भी बोला जाता है उसके प्राइस, अवेलेबिलिटी, फीचर्स, स्पेसिफिकेशन सब कुछ बताने वाला हूँ। साथ में मेरा पर्सनल ओपिनियन देने वाला हूँ। ये कोई फ़ोन का रिव्यू नहीं है। अगर आपको फोन परचेस करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैं सिर्फ मेरा ओपिनियन देने वाला हूँ जो मुझे इस फोन के बारे में लगा है। तो बिल्कुल ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और ऐसे ही वीडियोस आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी मेरा वीडियो मिस ना कर सको। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें मास्टर ट्रिक टेक्नोलॉजी एडवाइस को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं नोकिया 2.1 के प्राइस और अवेलेबिलिटी को लेके। तो यहाँ पे बता देता हूँ, नोकिया 2.1 की प्राइस इंडियन मार्केट में रखी गई है 6,999 रुपये, बोले तो 7,000 रुपये। और अगर आपको हैंडसेट परचेस ही करना है तो बिल्कुल आप ये ऑफलाइन स्टोर से परचेस कर सकते हो अगस्त 12 के बाद में। और ये फ़ोन बिल्कुल आप पेटीएम से भी परचेस कर सकते हो। ये 3 कलर में आपको मिल जाएगा और कलर्स बहुत ही अट्रैक्टिव दिए गए हैं यहाँ पे, ब्लू सिल्वर, ब्लू कॉपर और बिल्कुल यहाँ पे आपको ग्रे सिल्वर में देखने के लिए मिलने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो जी। अब हम बात करते हैं नोकिया 2.1 के स्पेसिफिकेशन को लेके। तो सबसे पहले बात करते हैं नोकिया 2.1 के डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे बता देता हूँ, इस फोन में आपको 5.5 इंच की HD 720x1280 पिक्सल रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने के लिए मिलने वाली है जो कि आएगी बिल्कुल 16:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में। अगर हम प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन का 425 का प्रोसेसर देखने मिलने वाला है। और ये फोन आपको सिर्फ सिंगल वेरिएंट में देखने मिलने वाला है, 1GB RAM और 8GB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ में। अब आप बात करोगे 1GB RAM और 8GB इनबिल्ट स्टोरेज ही क्यों, तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया, ये दूसरा स्मार्टफोन है इंडिया में जहाँ पे आपको एंड्रॉयड गो ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है एंड्रॉयड ओरियो के साथ में। अब यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन रन होंगे वो लाइटर वर्जन वाले ही होंगे, यानी कि गो एडिशन वाले ही एप्लीकेशन यहाँ पे रन होंगे, कोई हैवी एप्लीकेशन इस फोन में सपोर्ट नहीं करेगा जी। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बैटरी के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है। और यहाँ पे मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इस फोन की बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पे आपको एंड्रॉयड गो मिलता है, साथ में आपको बिल्कुल 4000 mAh की बैटरी मिलती है। अगर हम यहाँ पे एंड्रॉयड के बारे में बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया एंड्रॉयड ओरियो के साथ में आपको एंड्रॉयड गो मिलता है। अगर यहाँ पे कैमरा को लेकर बात करें तो इस फोन में आपको रियर में 8 MP का कैमरा दिया गया है और फ्रंट में आपको 5 MP का कैमरा दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे कनेक्टिविटी ऑप्शंस को लेके बात करें तो इस फोन में आपको सर कुछ कॉमन से कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि 4G VoLTE, वाईफाई, ब्लूटूथ, यहाँ पे आपको 3.5 mm का जैक और यहाँ पे आपको microUSB पोर्ट देखने के लिए मिलती है। सेंसर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको प्रॉक्सिमिटी, एक्सेलेरोमीटर और यहाँ पे एम्बिएंट लाइट सेंसर देखने के लिए मिलता है। तो सो ये है सारे कुछ बातें नोकिया 2.1 के बारे में। अब मेरा ओपिनियन देता हूँ इस फोन को लेके, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बिल्कुल अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हो ये ओपिनियन और अगर नहीं लगे तो बिल्कुल आपकी मर्जी, ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर आप 7,000 रुपये पे कर रहे हो तो यहाँ पे आपको HD डिस्प्ले ही मिल रही है, वो भी 16:9 एस्पेक्ट रेशियो वाली। हालांकि यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है 18:9 या फिर नॉच डिस्प्ले वाली, लेकिन ये सिर्फ आपको 16:9 एस्पेक्ट रेशियो वाली डिस्प्ले दे रही है जो कि पुराने फोन्स में आ रही थी। यहाँ पे आपको एंड्रॉयड गो देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि आप लाइटर एप्लीकेशन ही यूज़ कर सकते हो या और यहाँ पे आपको 1GB RAM और बिल्कुल 8GB की इंटरनल स्टोरेज दे रही है। हालांकि आप स्टोरेज को microSD कार्ड से अलग से लगा के एक्सपांड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप हेवी गेम्स वगैरह कुछ भी खेलना चाहोगे तो नहीं खेल पाओगे, यहाँ पे सिर्फ एंड्रॉयड गो एडिशन वाले एप्लीकेशन ही चलेंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें बैटरी के बारे में तो बैटरी अच्छी दी गई है, कैमरा का ठीक ठाक दिया गया है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं, ज़्यादा बुरा भी नहीं, ठीक ठाक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस फ़ोन के कंपैरिजन में, अगर हम बात करें 7,000 रुपये पे ही कर रहे हो तो आप शाओमी रेडमी 5 के लिए भी जा सकते हो जो कि इससे बहुत ही बेटर है जी। वहाँ पे आपको सेम अमाउंट में बिल्कुल वहाँ पे 3GB RAM और 32GB इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है, कैमरा भी उसका बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। हालांकि बैटरी के मामले में नोकिया बहुत ही आगे है, लेकिन बिल्कुल शाओमी का रेडमी 5 ए भी बिल्कुल बहुत
बहुत ही अच्छी तो नहीं लेकिन डिसेंट बैटरी बैकअप दे देता है जी। दोस्तों ये है दोनों फ़ोन्स को लेके कंपैरिजन, ये है सारे कुछ डिटेल्स नोकिया 2.1 के बारे में। अगर आपको ये फ़ोन लेना है तो आपकी मर्ज़ी, अगर मेरी ओपिनियन दो इस फ़ोन को लेके तो बिल्कुल मुझे ये फ़ोन पसंद नहीं आया है इस प्राइस रेंज के हिसाब से जी। हाँ दोस्तों ये थी सर कुछ बातें नोकिया 2.1 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो हमेशा की तरह लाइक कर देना, शेयर भी कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को। मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए रोजाना लाते रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस।